सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गवाए के टॉपिक पर ध्यान देते हैं, सामने देखिए तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, यानी मोहम्मद गौरी द्वारा जितना युद्ध लड़ा गया था हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध। तो अब हम बात करते हैं, यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो सामने देखिए, तो हम वीडियो ये टॉपिक को देखते हैं। नंबर एक है तराइन का प्रथम युद्ध, नंबर एक तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि ये युद्ध है, वर्ष है 1191, पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान, किसके बीच लड़ा गया था, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या था कि चौहान विजयी हुआ था, चौहान विजयी हुआ था। नंबर दो है, सामने देखिए, नंबर दो है तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जिसका वर्ष है 1192 ईस्वी, और ये पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान, गौरी व पृथ्वी राज चौहान, इसमें विजयी कौन हुआ था, इसमें गौरी विजयी हुआ था। इस युद्ध में गौरी विजयी हुआ था। वैसे नंबर तीन है चंदावर का युद्ध, जो कि वर्ष है 1194 ईस्वी, और इसके इसमें कौन कौन लड़ा था, तो ये गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम क्या था, गौरी विजयी हुआ था। गौरी